मियां नवाज शरीफ की क्यादत में तमाम अस्पतालों में, तमाम अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों में अद्वियात फ्री थी, फ्री अद्वियात फ्री थी, बिल्कुल। कोई मरीज सरकारी अस्पताल में जाता था तो उसको आला क्वालिटी की दवाई मिलती थी और उसकी कोई उससे पैसे वसूली की जाती थी। पंजाब में अस्पतालों में सीटी स्कैन सरकारी अस्पतालों में लगाए गए जो कि पूरे पंजाब में, और उसकी जो कॉस्ट जो थी सीटी स्कैन की वो फ्री थी, वो मरीज से, गरीब आदमी से, बेवा यतीम से नहीं ली जाती थी। पंजाब के अंदर हेपेटाइटिस जो अपने वबा है उसकी इलाज के लिए पूरे पंजाब में बाकायदा उसमें सेंटर्स बनाए गए हर जिले में, और उसकी अद्वियात फ्री मिलती थी, करोड़ों अरबों रुपए की सालाना अद्वियात फ्री मिलती थी। पंजाब के अंदर जो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अस्पताल बनाए वो स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाए, चाहे वो पी के एल आई सेंटर लाहौर में है जहाँ पर गुर्दों की पेमेंटकारी और जिगर की पेमेंटकारी वहाँ पर अपना पहली मरतबा किसी सरकारी अस्पताल में शुरू की गई और फ्री। और अभी जब ये कोविड आया तो वो पी के एल आई वो स्टेट ऑफ द आर्ट जो एक अस्पताल है साउथ एशिया में कोविड का वो मेंबर बन गया, और हर कोविड के मरीज को ये वो होता था कि मैं पी के एल आई चला जाऊं। फिर हमने पंजाब के दूर दराज इलाकों में मुजफ्फरगढ़ में हमने अपने स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाए, हमने डेरा गाजी खान में, हमने भावलपुर में, रावलपिंडी में, मुल्तान में, ये वो अपना फिर ये जो अस्पताल की जो जहरीली होती है वेस्ट मेडिकल वेस्ट उसको उसको बर्न करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि उससे बगरना उसको जब रिमूव करते हैं तो उससे बीमारियां बहुत फैलती हैं, जरासीम फैलते हैं और बड़ी मुल्क बीमारियां फैलती हैं। पंजाब के तमाम अस्पतालों में हमने सरकारी अस्पतालों में इस्लाम में बर्न सेंटर्स हम लगाए, ये इंसुलेटर लगाए हमने। नवाज शरीफ साहब को वेलकम कहते हैं और अनजाई खुश है कि उन्होंने हमें इज्जत बख्शी, हमारे इदारे में आए और लाहौर में भी हमारे साथ इदारे में आ चुके हैं। जब एडी साहब मरहूम जो है लाहौर गए थे और उनको एडी होम की जगह चाहिए थी तो इन्होंने खास जाती इंटरेस्ट ले के जो है उन्होंने वो जगह दी। पेशा से जो है वो कुर्बत रही है एडी साहब से और बतौर सियासी खादिम ये मशहूर रहे और एडी साहब समाजी खादिम मशहूर रहे।